हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में पूर्णिमा की तिथि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए ही गर्व का दिवस है। गर्व का दिवस इसलिए क्योंकि यह तिथि पूरे भारतवर्ष में गुरु नानक जयंती के तौर पर मनाई जाती है। इसका असर पंजाब में और उसके सटे इलाकों में और भी अधिक देखने को मिलता है। हमारी आज की ये खास पेशकश पंजाब की उस मिट्टी के नाम है जिसमें ना जाने कितनी महान विभूतियों के दर्शन और बलिदानी खून की मिश्रित महक है। तो आइए आपको बताते हैं कौन थे सिख धर्म के संस्थापक और उपासक। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ शिष्य होता है। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। सिख धर्म लगभग 2,60,00,000 लोगों द्वारा प्रचलित है और सिख भारत की आबादी का लगभग 2% हिस्सा बनाते हैं। हालांकि पंजाब में सिख आबादी 60% है। सिखों ने यूनाइटेड किंगडम में लगभग 8,50,000, कनाडा में 4,70,000, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7,00,000, केन्या, युगांडा और तंजानिया में 1,00,000, ऑस्ट्रेलिया में 1,25,000 और मलेशिया में 1,00,000 के साथ दुनिया भर में प्रवास किया है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के तलवंडी नामक गांव में हुआ। आज इसे ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म स्थल आज सिखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपरा अनुसार बैसाख और कार्तिक महीने 2 महीने मानते गए हैं, बैसाख और कार्तिक। कुछ लोगों का मत था, सिख धर्म के बड़े लोगों का, कि जन्म जो है वो कार्तिक महीने में हुआ है। कुछ का मत था कि बैसाख में हुआ है। तब फिर कमेटी बैठी और उसके बाद ये निर्णय हुआ कि कार्तिक महीने में अधिक लोग कहते हैं, इसलिए कार्तिक में मनाया जाए। ये जो डेट की बात है, 15 नवंबर की डेट है, 15 अप्रैल की बात है और ये नवंबर मनाने की बात है, ये बातें बहुत बाद में कमेटी में डिटेल जानकारी गई तब डेट की जानकारी हो पाई। इसलिए शुरू में था बैसाख और कार्तिक 2 महीने के लोगों का विचार था। कुछ कहें कि कार्तिक में जन्म हुआ, कुछ कहें बैसाख में जन्म हुआ, तो इस वजह से ये बात थी। तो तय हुआ कि कार्तिक में मनाया जाए। सब लोगों कमेटी की राय से सब बैठे विद्वान लोग बैठे, उनकी चर्चा के अनुसार ये तय हुआ कि बैसाख के। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी बचपन से ही एक उल्लेखनीय और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उस समय इस क्षेत्र के प्रमुख धर्म सनातन और इस्लाम थे। गुरु नानक देव जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन जल्द ही दोनों धर्मों के अध्ययन में उन्हें गहरी दिलचस्पी हो गई। उन्हें एक महान विद्वान, कवि और दार्शनिक के रूप में पूरी दुनिया में सराहा गया। मुसलमानों और हिंदुओं दोनों द्वारा समान रूप से उनका सम्मान किया गया। सिखों की अटूट भावना, उनकी बहादुरी और सेवा की विरासत की ऐतिहासिक जड़ें काफी गहरी हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में निहित निस्वार्थता, विनम्रता और दूसरों की सेवा के मूल्य पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। सिख धर्म के सिद्धांत अपने अनुयायियों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने, कमजोरों की रक्षा करने और बिना किसी इनाम की उम्मीद के मानवता की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन मूल्यों ने पूरे इतिहास में सिख समुदाय के कार्यों को आकार दिया है। उन्हें राहत प्रयासों, सैन्य सेवा और सामाजिक कल्याण में सबसे आगे रहने के लिए प्रेरित किया है। जब से ये आदिकाल से, जब केवल ईश्वर थे और कोई नहीं था, गुरुनाम जी का ये वर्ड है, पूरा संविश्व में केवल धुंध ही धुंध थी, कोई जीव जंतु नहीं थे। कई लाखों साल पहले केवल ईश्वर थे और कोई नहीं था। सारी विश्व की रचना ईश्वर ने की है। जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो किसी धर्म के क्यों ना हो, वो सब के सब ईश्वर ने पैदा किए हैं। इसका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव की वाणी में दर्ज है
1035 से 1037 अंग तक में इसका पूरा उल्लेख मैंने अपने लेख में भी लिख के दिया इस बात के लिए। जितने भी देवी देवता हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, शंकर जी वो क्या नाम से अपने श्री राम जी आए, कृष्ण जी आए, सबको ईश्वर के भेजे हुए अवतार रूप में आए, अवतार हैं उसमें कोई दो राय नहीं। पहले त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, ये चार युग थे। हर युग के हिसाब से अलग अलग आए हैं और अपना अपना जो ईश्वर ने जो काम सौंपा उसने किया, बहुत सारे प्रयास किए। लेकिन जो एक बात रह गई वो ये रह गया कि जो था ना वर्ण भेद, हिंदू क्या नाम है क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, ये चार धर्म जो हैं इनको जो है इस बार विचार इनको भी ढंग से नहीं हुआ। इसके ऊपर मेरा आरोप नहीं है, लेकिन इस विषय को जिस ढंग से देखना चाहिए वो देखा नहीं गया। उसका काम परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण लोग या और जो उच्च वर्ग के लोग थे ये सब के सब हावी हो गए, और वो गरीब थे जो मजदूर हैं, वास्तविक जो मजदूर काम करने वाले हैं, देश का निर्माण करने वाले हैं, उनको अछूत छोड़ दिया गया, अछूत मान लिया गया। यहाँ तक कि उनको कहीं पानी पीने की दिक्कत नहीं थी, 10 कदम दूर रहना पड़ता था। ये सारी बातों को देखते हुए गुरु नानक देव जी ने, वो भी परमात्मा ने भेजा है उनको, ईश्वर के भेजा है वो भी आए हैं। इसका उल्लेख गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में पन्ना 150 में किया है, जब वो सुल्तानपुर में थे। गुरु नानक देव जी शादी के बाद सुल्तानपुर में थे, 17 साल वहाँ रहे हैं, उनके 2 संतान भी वहाँ हुई हैं, नौकरी भी वहाँ उन्होंने की है। लेकिन सुबह टाइम में रोज नहाने जाते थे बेई नदी में। एक दिन वहीं से बेई नदी से वो 3 दिन के लिए आलोप हो गए। आलोप होकर कहाँ गए, ईश्वर ने बुलाया साक्षात रूप से, लिखा गुरु नानक देव जी ने 150 संघ में है, तो वहाँ गए तो ईश्वर ने हमको नाम दान दिया, सब कुछ दिया, वहाँ पर वहीं से ज्ञान मिला उनको, शक्तियाँ भी मिली, अथाह शक्तियाँ मिली उनको। और ईश्वर के निर्देशानुसार उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ रह गई है इसका उद्धार भी आपको करना है। सब देवता आए, सबने कुछ किया है, लेकिन ये विषय जो रह गया जात पात के भेद वाला, छोटे बड़े का अलग रह गया, नफरत की पैदा पै हुई, इसको दूर करने के लिए और एक समाज को बनाना है जिसमें जात पात का भेदभाव ना हो, सबके समानता अधिकार हो। इन बातों के आधार पर ईश्वर के निर्देश अनुसार गुरु नानक देव का जन्म हुआ, उस अनुसार उन्होंने काम किया। गुरु नानक देव जी के उपदेश पूरी दुनिया में आज भी गुरुद्वारों से लेकर सिख समुदाय के घर घर में किसी न किसी रूप में तो सुने ही जाते हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी उन्हें याद करते हैं। गुरु नानक देव जी की महानता, त्याग, तपस्या, मानव मात्र के लिए उनके योगदान किसी न किसी रूप में जन जन की जुबान पर है। उनके 2 पुत्र थे, फिर भी उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य भाई लहना को बनाया। गुरु जी का एक ही बात था कि हम केवल संतान के वजह से, पुत्र मोह के वजह से नहीं बनाएंगे। जो सही में मेरे पास 7 साल रहे हैं, लहना जी 7 साल उनके पास लगातार रहे, 1532 से 1539 तक 7 रहे हैं, और जो भी गुरु जी कहें कभी ना ही नहीं की, सही या गलत है, यस यस, अंत तक यही बात थी। और इसीलिए उनकी बात से निष्काम सेवा देखते हुए उनकी हर उनकी कई बार परीक्षाएं भी की उन्होंने, कहा ये बकरे का मीट खा लो, उठाओ ये कर लो, वो कर लो, कचरा खा लो, सारी बातें की। जब सारे टेस्ट में पास हो गए, परीक्षाएं हुई, तब फिर उनको उन्होंने गद्दी दी है, पत्र गद्दी दी है, योग व्यक्ति को पुत्र के नाते नहीं दिया। आइए आपको सुनाते हैं गुरु नानक देव जी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियाँ। जब गए हैं ना मक्का गए, वहाँ लेट गए उनको शिक्षा देने के लिए, कि लेट गए, सुबह मौलवी आए, कहा तुमने ऐसे पैर क्यों कर दिए हैं, यहाँ खुदा का घर है। तो उन्होंने कहा जहाँ ईश्वर घर है मेरे तो वहाँ पैर आप वहाँ कर दो। तो जहाँ घुमाए उनको वही वही दिखे, जहाँ पैर घुमाए कि सब जगह ईश्वर का घर है। वहाँ करीब करीब 21 दिन तक वहाँ लोगों से चर्चा किया, धर्म चर्चा की, वहाँ पर उनको शिक्षा दी है।
कि ईश्वर एक है और सब जगह है, जल थल सब जगह ईश्वर है, यह भगवान को ज्ञान दिया हमारे। एक महिला थी सलीमा उसका नाम था, मुझे उसकी पूरी पढ़ा है। वो रो आए कीर्तन सुने गुरु जी का और चली जाए। एक दिन गुरु जी ने कहलवाया कि उसको जल्दी अपने घर चली जाए। चली गई, उनके आदेश में पढ़ने रोज सुनने आती थी। घर पहुंची तो उसका पति आ चुका था। उसका पति बिजनेस करता था, घर से कई महीने से नहीं था। लौट के पति पहले उसे नाराज हुआ कि तुम वहाँ क्यों जाती हो, ये सब बातें हुई। फिर उसको समझा लिया तो उसने कहा था मैं भी चलूँगा। उसके पति के ऊपर एक आरोप था कि उसने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया है। वहाँ का इस्लामिक नियम था कत्ल के बदले कत्ल। तो उनको कहा कि अब इनकी जान ले ली जाएगी, एक आदमी को उन्होंने मार दिया इसलिए इनकी भी जान ले ली जाए, ये उनके ऊपर आरोप था। उन्होंने कहा भाई कोई जमानदार नहीं था, कोई जमान देने को तैयार नहीं था। उनके उनकी जमानत भी हो गई, एक व्यक्ति ने की है, अब किसने की। उसके बाद वो सलीमा अपने पति को लेकर गुरु जी के पास आई, रोज आती थी। और रास्ते में कहा उन तो पहचान लोगे, कि हाँ पहचान तो लूँगा, वो आदमी हम कभी कुछ देखा ही नहीं। जब वो गुरु जी के पास दोबारा पहुँची पति को ले करके, तो उसके पति उछल पड़े, ये तो वही है जिसने मेरी जमान ली थी, जिसने मुझे बचाया। और फिर हुआ क्या था, गुरु जी जमानदार बने उसके, और उसके पति को ये आदेश था कि 28 घंटे के अंदर तुम यहाँ वापस आ जाओगे तब तुम्हारी जमान दे रहे हैं, नहीं तुम्हारी जमान कैंसिल हो जाएगी। ठीक टाइम पर पहुँचना, जमानदार का भी कहा तुमको आना होगा टाइम से, नहीं तुमको अब तुम्हारा कदर कर देंगे हम। ठीक टाइम पर वहाँ पहुँचे उसी डेट में। इससे वहाँ के जो मौलाना थे निर्णय करने वाले, उन्होंने ये फैसला किया कि क्योंकि ये ईमानदारी से आया है, ईमानदार भी आया है, इसलिए पूरे कसूर माफ़ किए जाते हैं। ये सब गुरु की कृपा से हुआ। नानक राम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, तू ही मेरा राखिया तू ही सृजनहार, तू ही सृजनहार। अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच।